नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। 2009 में पंजाब के शेखपुरा में रहने वाली आसिया बीबी मुस्लिम महिलाओं के साथ खेत में काम कर रही थी। इस दौरान उसने पानी पीने की कोशिश की। मुस्लिम महिलाएं इस पर नाराज़ हुई और उन्होंने आसिया बीबी को बोला कि आप मुसलमान नहीं हैं, लिहाजा आप यहाँ से पानी नहीं पी सकती, गिलास को नहीं छू सकती। इस बात पर तकरार शुरू हो गई। बाद में मुस्लिम महिलाओं ने स्थानीय उलेमा से जाकर शिकायत करते हुए कहा कि आसिया बीबी ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक खेतों में हुई तकरार के बाद भीड़ ने आसिया बीबी के घर पर हमला कर दिया। आसिया बीबी और उनके परिवारजनों को पीटा गया। पुलिस ने आसिया बीबी को बचाया और उस मामले की जाँच शुरू कर दी और मामले की जाँच शुरू करते हुए आसिया को हिरासत में ले लिया। बाद में उन पर ईर्ष्या निंदा कानून की धारा लगाई गई। 95% मुस्लिम आबादी वाले पाकिस्तान में ईर्ष्या निंदा बेहद संवेदनशील मामला है। 1980 के दशक में सैन्य तानाशाह जनरल जियाल उल हक ने पाकिस्तान में ईर्ष्या निंदा कानून लागू किया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईर्ष्या निंदा की आड़ में ईसाइयों, हिंदुओं और अहमदी मुसलमानों को अक्सर फंसाया जाता है। छोटे मोटे विवादों या आपसी मनमुटाव के बीच इस कानून का दुरुपयोग भी किया जाता है। 2010 में निचली अदालत ने आसिया बीबी को ईर्ष्या निंदा का दोषी ठहराया। आसिया बीबी के वकील ने अदालत में दलील दी कि ये मामला आपसी मतभेद का है, लेकिन कोर्ट ने ये दलील नहीं सुनी। आसिया बीबी को मौत की सजा सुना दी। तब से आसिया बीबी के पति आशिक महेश लगातार अपनी पत्नी और 5 बच्चों की माँ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2010 में पाकिस्तानी पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सलमान तासीर ने आसिया बीबी की मदद करने की कोशिश की। तासीर इस निंदा कानून में सुधार की मांग कर रहे थे। कट्टरपंथी तासीर से नाराज हो गए। जनवरी 2011 में उन्हीं के अंगरक्षक ने, यानी बॉडीगार्ड ने, जिनका नाम मुमताज कादरी था, उन्होंने तासीर की हत्या कर दी। 2011 में ईर्ष्या निंदा के एक और आलोचक और तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री सहबाज भट्टी की भी इस्लामाबाद में हत्या कर दी गई। तासीर के हत्यारे मुमताज कादरी को पाकिस्तान की कट्टरपंथी ताकतों ने हीरो बना दिया। जेल जाते वक्त कादरी पर फूल बरसाए गए। 2016 में कादरी को फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद कादरी के नाम पर एक मजार भी बनाई गई। ईर्ष्या निंदा कानून के आलोचकों की हत्या के बाद कई वकीलों ने आसिया बीबी का केस लड़ने से मना कर दिया। 2014 में लाहौर हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। इसके खिलाफ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सर्वोच्च अदालत ने इस केस पर सुनवाई करनी थी 2016 में, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले एक जज ने निजी कारणों का हवाला देते हुए बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की सजा से जुड़ा फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले को लेकर पाकिस्तान पर काफ़ी दबाव है। अमेरिकी सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस के मुताबिक सिर्फ 2016 में ही पाकिस्तान में कम से कम 40 लोगों को ईर्ष्या निंदा कानून के तहत मौत या उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कई लोगों को भीड़ ने मार डाला। ईसाई, हिंदू, सिख और अहमदी मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय का हिस्सा हैं और इस समुदाय का आरोप है कि पाकिस्तान में उन पर न्यायिक और सामाजिक भेदभाव होता है। बीते वर्षों में सिर्फ ईर्ष्या निंदा के आरोपों के चलते कई ईसाई और हिंदुओं की हत्या हो गई है। खैर दोस्तों, मानवाधिकार संगठन और पश्चिमी देशों की सरकारों ने आसिया बीबी के मामले में निष्पक्ष सुनवाई की मांग की थी। 2015 में बीबी की बेटी पोप फ्रांसिस से भी मिली थी। अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस ने बीबी की सजा की आलोचना करते हुए इस्लामाबाद से अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करने की अपील भी की थी। बीबी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें इस मामले से बरी कर दिया। आसिया को बरी किए जाने के खिलाफ कई अपीलें सुप्रीम कोर्ट में गई और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वहां पर पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया गया, लेकिन आसिया आज सुरक्षित है क्योंकि वो पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चली गई। ये पूरी की पूरी कहानी पाकिस्तान के पंजाब की है। तो एक गिलास पानी के लिए एक औरत को, 5 बच्चों की मां को फांसी की सजा सुना दी गई। ऐसा है पाकिस्तान।
खैर, इस केस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।